गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 12वीं कक्षा 12 चैप्टर नंबर 14 आप लोगों के 40 है आप लोगों का मानव में प्रमुख रोग। रोग का मतलब पता है क्या है कि बेसिकली रोग क्या होते हैं जनरली कि वो स्थिति जब आपके शरीर में कोई भी गड़बड़ी या कोई भी विकार उत्पन्न हो। ठीक है ओके। अब इसमें देखो क्या है, स्वस्थ शरीर संपुष्टता। संपुष्टता मानसिक एवं सामाजिक पुष्टता की अवस्था है। ठीक है ना, पुष्टता का मतलब होता है बेटा जब शरीर आपके क्रियाशील अवस्था में, लेकिन अगर स्वस्थ एवं निरोग रहने की प्रवृत्ति मनुष्य समेत अनेक जीव धारों में होती है। स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है, अब स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि भाई जीवन जीव का आयु, आनुवंशिक एवं लिंग के अनुसार शारीरिक कार्य की क्षमता में निपुणता, संक्रामकता से लड़ने की क्षमता, मानसिक परिपक्वता एवं सामाजिक जीवों में सामान्य में स्वस्थ सामाजिक क्रियाओं का निष्पादन करना। प्रकृति के प्रदूषण मुक्त वातावरण में इसकी संभावना काफ़ी अधिक रहती है, किंतु जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ते औद्योगिकरण के कारण मानव का आवासीय पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित होने लगा है और शहरी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण गंदगी और बीमारियाँ बढ़ने लगी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, WHO क्या कहता है, उसकी मान्यता के अनुसार जब जीव शरीर में के सभी अंग जीव के शरीर के सभी अंग आपस में बाह्य वातावरण के साथ उचित एवं वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही रूप से कार्य करते हों तो ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ और निरोग कहलाता है। अतः एक स्वस्थ व्यक्ति के अंग सामान्य संरचना एवं कार्य की दर्शाते हैं। ओके, यानी आपके जो शरीर के अंग हैं वो बाह्य वातावरण के साथ अनुकूलित स्थिति में है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, स्वस्थ स्थिति बोलते हो। ठीक है ओके। यह वह व्यक्ति जो मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ एवं सामान्य होता है, दूसरी तरफ एकाधिक कारणों से शरीर एवं शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न होने कारण रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, रोगग्रस्त शरीर की वह अव्यवस्थित क्रियाएं विकृति है जो संक्रमित दूषित आहार, आनुवंशिकी, वातावरणीय मानसिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, अब है संक्रमण, आप लोगों का संक्रमण इन्फेक्शन, ये बेसिकली जैविक कारकों के द्वारा होता है। जैविक कारक मतलब जो लिविंग बींग है जिन्हें आप लोग रोगजनक बोलते हो। ठीक है, रोगजनक यानी रोग को जन्म देने वाले वैसे आप लोग रोगाणु भी बोलते हो। ठीक है, रोगाणु ओके, जैसे विषाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ, एलमंथीज आदि है। पोषण संबंधी विकृतियाँ, दूसरा क्या है, पोषण संबंधी मतलब जो आप लोगों के भोजन की कमी से होती है। ओके, ये विटामिन, खनिज लवण और ऊर्जा वाले भोजन की अधिकता या कमी से जो रोग होते हैं। जैव रासायनिक विकृतियाँ, बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, जैव रासायनों की अधिकता से जो आप लोगों की विकृतियाँ जैसे कि हार्मोन की अधिकता और कमी के कारण यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन के कारण होती है। बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ, एक्सोजिनस केमिकल डिसऑर्डर, प्रदूषक एवं एलर्जन इन रोगों के उत्पन्न करते हैं। जीवों के तरीकों से संबंधित विकृतियाँ, ये भोजन चुनाव, व्यायाम की कमी, बैठे रहने की आदतों, दुर्व्यसनों आदि के कारण होती है। शरीर तंत्र से संबंधित सूचना, ठीक है, अब ये शरीर तंत्र से संबंधित विकृतियाँ कौन सी होती है, ये वृद्धावस्था से संबंधित होती है, उदाहरण एथेरोस्क्लेरोसिस, अति तनाव, हृदय रोग, संधिश, सॉरी ये क्या होती है, शरीर तंत्र से, या अंग भंग, मोच, संधि भंग, चोट आदि के कारण होती है। विघटनकारी मतलब कि जिसमें आप लोगों के शरीर के जो कुछ अंग हैं, ठीक है, ये क्या करती है कि ये अंग क्या है कि काम करना बंद कर दे। ओके, ये बीमारियाँ क्या, वृद्धावस्था से संबंधित, उदाहरण एथेरोस्क्लेरोसिस, अति तनाव, हृदय रोग, संधिशोथ, आर्थराइटिस वगैरह। आनुवंशिक विकृतियाँ, ये दोषपूर्ण आनुवंशिकीकरण होते हैं, उदाहरण वर्णांध्रता, हीमोफीलिया। वर्णांध्रता बेटा यानी कि जो आनुवंशिक करेक्टर आप लोगों ने भी पढ़ लिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ओके, उसके कारण हो रही है। अगला क्या है, मानसिक विकृतियाँ। मानसिक विकृति मतलब जो दिमागी तौर पर होती है, ठीक है, इस ये सामाजिक व्यक्तिगत विघटनकारी परिवर्तनों के कारण होती है। रोग की दो विस्तृत श्रेणियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी, जन्मजात एवं ग्रहित। जन्मजात मतलब वो रोग जो आप लोगों को जन्म से ही मिल रहा है, ठीक है, जो जन्म से ही आपके शरीर में, जो आनुवंशिक रोग होते हैं। ग्रहित मतलब जो आप आगे आप लोग विस्तृत रूप से संक्रमित हो सकते हो। ठीक है ओके, जन्मजात रोग को आप लोग कंजेनिटल डिजीज को क्या बोलते हो, ये रोग जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग आनुवंशिक रोग जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, कार्यकीय विकास संबंधी रोग, उदाहरण हेयर लिप्स, ठीक है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा से स्थानांतरित होने वाले रोग जैसे जर्मन चेचक, उपादान स्ट्रोक आदि हो जाते हैं। ठीक है, अब ग्रहित रोग, एक्वायर्ड डिजीज का ये रोग जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों जैसे संक्रमण, विघटन, आहार, दुर्व्यसन, तनाव, उत्परिवर्तन आदि के कारण होते हैं। ग्रहित रोगों को पुनः दो प्रकार में बांटा गया, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग की बात करें, ये रोग रोगजनकों एवं परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर है ओके। ये संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं और संक्रमित रोग इसलिए संचरण होने वाले, इन्हें आप लोग संक्रामक रोग पता है क्या, कि भाई एक कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में, ओके,
यानी कि संक्रामक, इन्फेक्शियस, इन मतलब किसी के अंदर, किसी दूसरे से किसी के अंदर आने वाली जो बीमारी उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ये रोग रोग जिनको इन परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं, ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। संक्रामक रोग इसलिए संचरण होने वाले रोग कहा जाता है, ये सीधे कारक के द्वारा जैसे रक्त एवं सीरम के द्वारा हो सकते हैं। छुआछूत के रोग कॉन्जेनेटल डिजीज होते हैं, ये रोग व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं, जैसे दुर्दू, रिंगवॉर्म, दाद जिसको आप लोग बोलते हो, कंजक्टिवाइटिस, ओके। छुआछूत वाले रोग यानी कि जो संक्रमित कारक या वाहक के द्वारा, उदाहरण डेंगू, मलेरिया, रक्त सीरम, उदाहरण एड्स, सन्निपात ज्वर के द्वारा फैल सकते हैं। असंक्रामक रोग की बात करें, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, ये रोग रोगजनकों की अपेक्षा कारकों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होता है? रोगजनक जो है उनकी अपेक्षा किसके द्वारा फैल रहे हैं? कारकों के द्वारा होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकते, इसलिए इन्हें असंक्रमित रोग या असंचरण रोग भी कहा जाता है। इन्हीं के कारणों से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, उदाहरण कैंसर, एलर्जी, अपूर्णता रोग, चपेट आदि, ठीक है। कई प्रकार के हो सकते हैं। अपूर्णता रोग, डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो आहार का कोई भी आवश्यक घटक कम मात्रा में उपलब्ध होता है, उदाहरण क्वाशियोकोर, रक्तहीनता, बेरी बेरी, ठीक है। यानी जिसमें कोई भी जो आप लोग न्यूट्रिशन ले रहे हो, आहार ले रहे हो, उस आहार की अगर कमी हो जाती है, तो उस कमी के कारण जो रोग होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? अपूर्णता डिजीज़ बोलते हो, ठीक है। ओके, अगला क्या कह रहे हैं? विघटनकारी रोग। विघटनकारी रोग की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या है? डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ये रोग जीर्णता या वृद्धावस्था के कारण होता है, उदाहरण एथेरोस्क्लेरोसिस, एलर्जी। व्यक्ति विदेशी पदार्थों की उपस्थिति से अति तनावग्रस्त हो जाता है, उदाहरण राइनाइटिस संबंधी दुर्व्यसन। ये रोग दुर्व्यसनी वाले औषधियों, एल्कोहल, तंबाकू आदि के कारण होते हैं। मानव विकृति, मेंटल डिसऑर्डर, ये तनाव, चिंता, मानसिक अयोग्यता, पागलपन, साइजोफ्रेनिया और मनोविक्षिप्ति से रोग के कारण होते हैं, ठीक है। यानी कि जो दिमाग के रोग हैं, कैंसर मृत्यु के मुख्य कारणों में से रोग है, जिनमें कोशिकाएं बराबर विभाजित होती रहती है लगातार, और सामान्य कोशिका चूर्णित होती है, और भुखमरी से मर जाना एवं आवश्यक जैव अंगों का नष्ट हो जाना, ठीक है, क्लियर है। ये सारी की सारी आप लोगों का कैंसर बीमारियाँ हैं, क्लियर है। संक्रामक रोग की बात अगर हम लोग करें, तो मानव शरीर में अनेक रोग विभिन्न रोगाणुओं के द्वारा होते हैं, इन रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसर्ग के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस रोग वो है जो आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली व्यक्तियों में पहुँच रहे हैं, ठीक है, संपर्क में आने से। जीवाणुजनित रोग, अब जीवाणुजनित रोगों की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला है कि वो बीमारियाँ जो जीवाणुओं के द्वारा होती है, जन्म मतलब जिनको जन्म कौन देता है? जीवाणु देते हैं, ठीक है। पहला कुष्ठ रोग या कॉड रोग, ये जीवाणुजनित रोग है, और इसमें जो जीवाणु का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये कुष्ठ रोग का संक्रामक होता है। इनमें शरीर का तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, त्वचा आदि प्रभावित हो जाती हैं, और उंगलियों में विकृति उत्पन्न होती है। इसमें रोग के लक्षण 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होने की, लगभग संक्रमण के पश्चात बैक्टीरिया आया उसके 1 से 7 वर्ष में इसके प्रदर्शित होने लगते हैं। घाव से निकलने वाले पदार्थ से रोग का प्रसार होता है, रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से भी इसका प्रसार होता है। कुष्ठ रोग सिर्फ मनुष्य में होता है। कुष्ठ रोग सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ट्यूबरक्लॉइड, ठीक है, लेप्रोमेटिस और बॉर्डरलाइन, ठीक है, 3 टाइप के रोग हैं ये, क्लियर है। अब इनके लक्षण जो अगर लक्षणों की बात करें, तो ट्यूबरक्लॉइड कुष्ठ रोग में रोगी की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस रोग में त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, और त्वचा पर बेटा क्या होता है? घाव होने लग जाते हैं, और हाथ पांव की उंगलियां मुड़ जाती है। और लेप्रोमेटस में क्या होता है, ठीक है, इस पर रोगी की जो आप लोगों के प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जीवाणु जो है वो समूह के अंदर, जीवाणु जो है वो समूह के अंदर ग्लोबी बनकर ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं, और सतह पर गांठे उभर जाती है, और घाव भी हो जाता है, तथा घावों की संख्या अधिक हो जाती है, और कुष्ठ रोग का यह प्रकार अत्यधिक संक्रामक होता है। बॉर्डरलाइन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे त्वचा पर चकट्टे बन जाते हैं और गांठे उभर जाते हैं, घाव बन जाते हैं। कुष्ठ रोगी को स्वस्थ मनुष्य से अलग रखना चाहिए, ठीक है, उनके उपयोगी वस्त्र के बाद अन्य वस्तु के उपयोग में नहीं होना चाहिए, और रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। यदि पूर्ण अंग ही रोग ग्रसित हो जाए, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा, अगर पूरा अंग जो है उसमें बीमारी लग जाती है, तो उसको शल्य चिकित्सा का मतलब है बेटा ऑपरेशन के द्वारा, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा अलग कर देना चाहिए। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग का टपेडिक या TB, ठीक है। नॉर्मली जो TB है, TB क्या है? मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। अब भारत में प्रति 1000 पर 15 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के प्रभाव से होता है। टीबी रोग अथवा प्लूरोसिस जैसे घातक रोग हो जाते हैं। रोग हो जाने पर उसको व्यक्ति को खांसी और बुखार होगा, वजन घटने लगेगा, थकान महसूस होती है, रोग की निरंतरता से व्यक्ति की हड्डियों का ढांचा बन जाता है, और आंखें अंदर धंस जाती हैं, ठीक है, भूख नहीं लगती है, जिससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। फेफड़ों में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति के थूक, बलगम, छींक, खांस से जीवाणु रोगाणु हवा में मिल जाते हैं, और
जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या है कि नॉर्मली टीबी हो जाती है, टीबी में लोग क्या अंदर अंदर टीबी बोलता है, टीबी हमें खा रही है, टीबी खाना मतलब टीबी अंदर अंदर व्यक्ति को क्या है कमजोर कर देती है। जब प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उसके शरीर में रोगाणु अपनी संख्या में तेजी से बढ़ते हैं और बलगम और पस के साथ बाहर आते हैं, कभी कभी बलगम में रक्त भी आते हैं। अब इस रोग का प्रसार क्या है, जल और वायु के माध्यम से होता है, यानी कि बीमारी फैलती कैसे, पानी और हवा से। रोगी के प्रयोग में लाने वाले वस्त्र बर्तन आदि का उपयोग दूसरे व्यक्ति अगर करे तो रोग लग जाता है। क्षय रोग से ग्रसित पशु के दूध में भी रोग के रोगाणु पाए जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति जो रोगी के संपर्क में रहता है उसे संक्रमण हो सकता है। रोग के बचाव के लिए व्यक्ति को विशेष सावधानी रखना चाहिए। रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए। उसके वस्त्र बर्तन गर्म पानी में उबालकर साफ करने चाहिए। रोगी के द्वारा त्यागा गया बलगम मल आदि मिट्टी में दबा देना चाहिए। दूषित जल भोजन आदि का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। और इस रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, बचने के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो BCG का टीका लगवाना चाहिए। दूसरों द्वारा इस्तेमाल होके बीड़ी और सिगरेट आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है डिप्थीरिया, इसको रोहिणी बोलते हैं। ये मनुष्य में एक भयंकर रोग है। ये रोग कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है और ये क्या है, नाक गले और टॉन्सिल को प्रभावित करता है। ये विषैला पदार्थ स्त्रावित होता है, एंडोटॉक्सिन निकलता है विषैला पदार्थ, ठीक है, जो अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। अगर डिप्थीरिया का पता नहीं लगे ना तो इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ये जीवाणु मनुष्य की उंगलियों के स्पर्श से फैलता है। खाने के बर्तन, खिलौने, पेंसिल आदि वस्तुओं के स्पर्श से जीवाणुओं का प्रसारण ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा रोग ग्रसित व्यक्ति के छींकने और खांसने से जो द्रव की बूंदें निकलती है उसके अंतःकरण इन्हेलेशन के द्वारा ये जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए और सभी बच्चों को इस रोग से प्रतिरोधक टीका यानी कि DPT का टीका लगता है और बच्चों को पाश्चुरित कर दूध ही दिया जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगला है टेटनस या धनु स्तंभ। ये बेटा ये रोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, ओके।